दोस्तों तारीख थी 23 अक्टूबर 2022, जगह थी ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मौका था T20 वर्ल्ड कप और सामने थी टीम इंडिया। 40 ओवर के मैच में हमने शुरू के 37 ओवर इंडिया को डोमिनेट किया था। इंडिया को जीत के लिए 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, इंडिया हार जाएगा ये सोचकर हमने तो बांटने के लिए मिठाइयां भी मंगवा ली थी, लेकिन विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली इंडिया को मैच जिता दिया। 23 अक्टूबर 2022 को कोहली भाई ने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरने का वक्त अब आ गया है। 23 अक्टूबर 2022 से हम गूगल पर यही सर्च कर रहे हैं कि अगला पाकिस्तान इंडिया मैच कब होगा और आखिरकार हमारा इंतजार हो गया है खत्म। आ गया है वो लम्हा, शुरू होने वाली है वो घड़ी जब ये टीमें फिर से आमने सामने होंगी। पिछले 2 सालों में भारत पाकिस्तान कई मरतबा T20 फॉर्मेट में भिड़े हैं, मगर 4 साल बाद दोनों टीमें वनडे में आमने सामने होंगी। आखिरी बार वनडे फॉर्मेट में 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने हराया था, तब से दोनों टीम आपस में कोई वनडे नहीं खेल पाई है। 4 साल से इंडिया पाकिस्तान का वनडे मैच देखने का इंतजार अभी कुछ लम्हों में पूरा हो जाएगा। कैसी है दोनों टीम्स की तैयारियां, कौन सी टीम कितने पानी में है, आइए जरा बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं मजा आएगा। कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान का मैच। एक तरफ पाकिस्तान की टीम है जिसने रिसेंटली श्रीलंका में श्रीलंका को और फिर अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप किया है और वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर है, जिस टीम के पास शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसा पेस अटैक है। और दूसरी तरफ इंडिया की टीम है जिसमें बहुत से खिलाड़ी इंजरी से वापसी कर रहे हैं, जो हाल ही में वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम से भी सीरीज हार चुकी है। दोनों टीम्स के टॉप ऑर्डर की बात करें तो हमारे टॉप ऑर्डर में फखर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम है, तो वहीं इंडिया की टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली हैं। दोनों टीम्स का टॉप ऑर्डर तो बराबर बराबर का ही है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम आ जाती है मिडिल ऑर्डर में। इंडिया का मिडिल ऑर्डर एक लंबे टाइम से सेट नहीं हो रहा है। इंडिया के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, जो या तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे या बहुत टाइम बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उसमें शामिल है मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, इफ्तिखार चाचू, शादाब खान और मोहम्मद नवाज। नवाज को छोड़कर इन सब ने इस फॉर्मेट में रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो हमारा लाइनअप शाहीन अफरीदी, आर एस रऊफ और नसीम शाह संभालेंगे, जबकि इंडियन पेस अटैक जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी के होते हुए काफी खतरनाक नजर आ रहा है। पेपर पर देखा जाए तो दोनों ही टीम टक्कर की है, लेकिन जीतेगी वही टीम जो ग्राउंड पर अच्छा करेगी। बाकी कल मैच के बाद मैच का हाल चाल बवाल लेकर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।